गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा सुबह का काम काफ़ी निकल चुका है। मैंने बेडशीट वगैरह लगा दी है और देखिए प्रभात को तो काम ही रहता है कि झाड़ू लगाना, जबकि मैंने झाड़ू वहाँ पर लगा दिया है और ये सब मेरा काम रेडी हो गया है। बाहर मेरी मैंने वॉश में रख दिया था वो, और नहाने जा रहा है, ठंडा है और मैंने कपड़े लगा रखे हैं और मैंने यहाँ पे धुलाई भी कर दिया है, गर्म हो गया है, मैंने क्लीन अच्छे से साफ कर दिया, क्लीन कर दिया है एकदम। अभी इसे बाइक और बाहर तो बहुत गंदगी थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ चलकर, और प्रभात के रूम पे पहुँचती हूँ। प्रभात का रूम भी मैंने, प्रभात ने अपने कपड़े निकाल के रख लिए नहाने के लिए और मैं भी नहाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पीछे बहुत सारी गंदगी थी तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया। बोल रहे थे कि मैं बुलवा दूंगी झाड़ू लगाने के लिए और जला देंगे, तो मैंने कहा काम अपने काम में क्या बुराई है, अपना काम तो खुद ही करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ सब अभी मतलब ज़्यादा साफ नहीं हो पाया है, लेकिन मैं भी फिर इसको साफ़ करूँगी दूसरे दिन नेक्स्ट दिन। तो मैं इसको सब साफ़ करते हुए देखिए मौसम कितना, यहाँ बहुत कोहरा है, बहुत सर्दी है, देख सकते बहुत सारी गंदगी उस तरफ अभी पड़ी है। तो मैंने यहाँ पर अपने सामने सामने लगभग साफ़ कर लिया है, अभी इस तरफ रह गया है तो मैं इसको बाद में करूँगी नहाने वाने नेक्स्ट दिन करूँगी दूसरे दिन मतलब। और देखिए ये सहसूत का पेड़ है और यहाँ बाहर भी जगह, यहाँ आप कुछ भी बो सकते हैं। तो मैं सोच रही थी ये गुम्मा किसी दिन बैठ के मैं इसके गुम्मे निकाल लूँगी और गुम्मे निकाल कर और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ लोग क्यारियों में बहुत कुछ बनाए हैं, देख सकते हैं यहाँ से भी अपना पेड़ पौधे मेथी वगैरह बोए हैं। और देखिए तरबिया के भी पेड़ है, सेम के भी पेड़ है, करौंदा भी हैं, करी पत्ते हैं, सहसूत है, ये हमारे यहाँ की तरफ सहसूत है। देखती हूँ ये मोरम जमा हुआ है, यहाँ से गुम्मा मैं निकालूंगी और देखिए लोगों ने अपनी अपनी क्यारी बना रखी। तो देख सकते हैं वो सब्जियाँ बाहर की दिख रही हैं, यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए नहीं दिखेगा ज़्यादा। तो मैं यहीं पे वीडियो शूट करूँगी, आप सब लोग इस वीडियो में ज़रूर प्यार दीजिएगा। मैं सफाई कर रही हूँ खुद अपना वीडियो बनाने के लिए। तो मैं अब नहा के आपसे फिर मैं अंदर चल रही हूँ। ये दरवाज़ा यहाँ पे लाइट, मैंने लाइट को कई बार बोल रखा है, मैं इसको दरवाज़ा कई तरफ से पीछे से भी है जबकि ये आगे का फ्रंट था गाइस। चलिए मेरा पानी बहुत हीट हो गया है और मैं कपड़े निकाल के, यही मेरा बाथरूम है, छोटा सा बाथरूम है, और जबकि मैंने दिखाया था देखो प्रभात यहाँ क्या कर रहा है। प्रभात नहाने जा रहा है और मैंने कपड़े लगा रखे हैं और मैंने यहाँ पे धुलाई भी कर दिया है, बहुत क्लीन अच्छा लगता है घर। देखिए अभी इसे वाइपर मारना है तो वाइपर मारूँगी जब ये मशीन में कपड़े हो जाएंगे, इसके बाद मारूँगी। देखिए प्रभात कपड़ा निकाल रहा है और मैं अब इसी में ये पैरदान लगा दूंगी और सारे कपड़े निकल गए हैं। प्रभात इसको इस पे डाल देना ना, ये सारे पैरदान इसी में डाल दो और मशीन को चालू कर दो, मशीन को चालू कर दो, प्लग लगा दो। बस मशीन चालू हो गई है, मैं कपड़े उनको पानी से हिलकोर के मैं सुखा देती हूँ, नहाने जा रही हूँ। मैंने देख सकती है अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है और कोई नहीं है, भागो अंदर आ जाओ। प्रभात ने सोचा, मैंने सोचा मंजन वगैरह मंगाया था तो वो अभी अभी आया नहीं है, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और साहब हमारे निकल चुके हैं। आज मंगलवार है तो आज परेड भी है, मैं अब नहाने जा रही हूँ, फिर नहा के मिलते हैं। देखिए अब मैंने कपड़े धुल दिए तो प्रभात इस पे डाल रहा क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए कोई तो एक होना चाहिए। इसमें करंट आ रहा है इस मशीन को, दो दिन से काम करके जा रहे हैं लेकिन इसका करंट नहीं ख़त्म हो पा रहा है, इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है इस मशीन में। सारे ये भी डाल दो प्रभात। इसका ढक्कन कहाँ है? इसका ढक्कन लगा दो, थोड़ा सा हिला देना बस ऐसे ही।
दोनों को चालू कर दो, इसको भी चालू कर दो। मशीन से कपड़े सूख रहे हैं, देखिए तो देखिए गाइस, मैं फुल मेकअप में मतलब रेडी हो गई हूँ मेकअप के साथ में। तो इस ब्लॉग को मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगी, जो हमारा डेली का ब्लॉग था और इस समय नहीं आ पा रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाह रही हूँ। और हमारा ये ब्लॉग विनीता जी में ही आएगा और खूब प्यार सपोर्ट दीजिएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मेरा प्यार सपोर्ट ऐसे ही आप सब लोग बनाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा प्रेस करके, आपके जो मेरी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएंगी। जैसे मैं बनाऊंगी वीडियो तो आप तक पहुंच जाएंगी, आप तो देखने को मिल जाएगा, जिससे नई नई चीज़ें आप तक को बहुत मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।